सच्चिदानंद रूपाया विशोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त और आनंद। सत्य माने जो त्रिकालावादी सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो परिवर्तनीय सत्य है। आप लोग जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो उसके शुरुआत में ही पहले ये श्लोक है कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम त्रिसत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जित्र सत्य है, तीनों कालों में सत्य है। ये दुकान मकान ये कुछ सत्य नहीं है। गाड़ी घोड़ा ये कुछ सत्य नहीं है। ये सब नाश्वर है। ये संसार भी सत्य नहीं है। लेकिन हम लोग सत्य मानते हैं। सत्य तो केवल वो परमात्मा है। ये दुनिया जब नहीं थी तब भी वही सत्य थे। सब कुछ होने के बाद भी वही सत्य हैं। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद भी एकमात्र वही बचते हैं, वही सत्य रहेंगे। और चित्त माने प्रकाश, जो अपने प्रकाश के द्वारा पूरे दुनिया को प्रकाशित करता रहता है, जो प्रकाश स्वरूप है। उसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य में रोशनी, सूर्य में भी प्रकाश वही देते हैं। और चंद्रमा में शीतल्य भी उन्हीं की कृपा से है। अगर पुष्पों में रंग वही हैं तो सुगंध भी वही है। इसलिए उसे हम चित्त कहते हैं। और आनंद माने जो कभी खत्म ना हो और जिससे कभी मन न भरे। हम लोग किसी दिन अच्छा भोजन कर लिए, कहते हैं किसी ने पूछा कैसा लगा भैया, अरे क्या बताएं आनंद ही आ गया। एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ गए, कैसा लगा, बहुत आनंद आया। हवाई जहाज में बैठ गए, किसी ने पूछा कैसा लगा, अरे ये तो बताया नहीं जा सकता, बहुत ही आनंद आया। लेकिन ये आनंद नहीं है, क्योंकि ये तो 2 मिनट का आनंद है। ये आनंद नहीं है। आनंद तो मेरे राम है, मेरे कृष्ण है,
मेरे गोविंद को छोड़कर दूसरा कोई आनंद कैसे हो सकता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु भी किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो आनंद आराम विराम और विश्राम का एक आसन पर बैठकर एक साथ अनुभव करता है। ये है आनंद।